सोमवार की देर रात शहर के यमुना चौक पर श्री राम लीला समिति द्वारा वर्षों से चली आ रही परंपरा को कायम रखते हुए भव्य भरत मिलाप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने फीता काटकर किया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा शहर के बुद्धिजीवियों व रामलीला समिति के साथ समन्वय बनाकर योजनाबद्ध तरीके से दशहरा के कार्यक्रम को सफल बनाया। किला मैदान में इतना भव्य कार्यक्रम और विशाल भीड़ को तरीके से संपन्न कराया गया, जिसके लिए जिले के नगरवासियों को धन्यवाद। मौके पर वीडियो साधु शरण पांडे, नगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा समेत समिति के अध्यक्ष रामजी बाबू, सचिव बैकुंठ शर्मा के अलावे सुरेश संगम, दिनेश जायसवाल, श्रवण तिवारी समेत अनेकों लोग मौजूद रहे। विजयदशमी को रावण वध के बाद भगवान श्री राम की सीता और लक्ष्मण के साथ लंका से अयोध्या के लिए रवाना होते हैं। इधर प्रभु श्री राम के आने में जैसे जैसे देरी होती है, भरत जी का व्यग्रता बढ़ती जाती है और वो बेहद चिंतित होते हैं। इस दौरान अयोध्या में हजारों अयोध्यावासी राम के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि तभी हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में वहां आते हैं और प्रभु के आगमन का शुभ समाचार सुनाते हैं। भरत मिलाप के कार्यक्रम आरंभ हुआ, जिसमें दिखाया गया कि श्रीराम के आगमन की खबर सुनते ही सारे नगरवासी खुशी से झूमने लगते हैं। छत से झांक रही महिलाएं श्रीराम की एक झलक पाने को बेताब नजर आती हैं। श्रीराम के स्वागत की तैयारियों में जोरों से होने लगती है। इसी बीच वहां पुष्पक विमान से प्रभु का आगमन होता है। गुरु वशिष्ठ को देखते ही श्रीराम विमान से उतरकर भ्राता लक्ष्मण के साथ उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तभी भरत प्रभु श्रीराम के चरणों से लिपटकर रोने पड़ते हैं और श्रीराम उन्हें चरणों से उठाकर गले से लगा लेते हैं। मिलन की इस बेला में सबकी आंखों में खुशियों के आंसू छलकने लगते हैं और इसके साथ पूरे नगर में चारों ओर से जय श्री राम के उद्घोष गूंजने लगती है। भरत मिलाप के दौरान कृष्णा सिनेमा की ओर से प्रभु श्रीराम का आगमन होता है, जबकि मुनीम चौक की ओर से भरत का आगमन होता है। इस दौरान हजारों की संख्या में नगरवासी घंटों इस प्रसंग के मंचन के इंतजार में पलके बिछाए खड़े थे। इस मौके पर यमुना चौक पर कार्यक्रम के दौरान देर रात लगभग 2:30 बजे तक सैकड़ों की भीड़ जमा रही। सिटी न्यूज बक्सर से राज रंजन की एक रिपोर्ट। बक्सर से और इस वर्ष जितनी उत्साह युवाओं में रहा, जैसा कि हमारे उद्घाटनकर्ता आज के हमारे बक्सर सदर के SDM आदरणीय श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा जी थे, उन्होंने भी अपने उद्बोधन में कहा कि अधिक से अधिक संख्या में इस बार बहुत ज़्यादा क्राउड थी, भीड़ थी और लोगों में उत्साह बना हुआ था। भरत मिलाप का कार्यक्रम बक्सर का इस जमुना चौक का बहुत ही प्रख्यात और प्राचीन 130 वर्षों से ये कार्यक्रम चले आ रहा है। इस परंपरा को निर्वाह करने के लिए बक्सर के सारे ये जनता, व्यवसायी वर्ग के जितने भी युवा हैं, बड़े उत्साही ढंग से ये आपको कार्यक्रम संपन्न करा रहे हैं। आज का मुख्य आकर्षण रहा हमारे रोटरी क्लब द्वारा चाय, पानी और बिस्किट की जो व्यवस्था इन्होंने पिछले साल भी किया और इस साल लैंड रोटरियन मनीष कुमार पांडे के तरफ से ये आयोजित था, उनके पूरे रोटरी परिवार की तरफ, और लायंस क्लब के तरफ से फर्स्ट एड का भी व्यवस्था किया गया था। रोटरी की तरफ से बिस्किट और मिक्सचर वगैरह की वितरण किया गया। निश्चित तौर पर कह सकते हैं सीधे प्रभु श्री राम की भूमिका में जो यहाँ पर है उनसे भी बात करेंगे और किस तरह से क्या संदेश देंगे। अध्यात्म की नगरी है बक्सर, बहुत अच्छी नगरी है ये बक्सर और हमें भी बहुत अच्छा लगा, यहाँ का लोगों का प्रेम देखकर बहुत अच्छा लगा।
जनता में एक नया उत्साह देखने को मिला है और मैं यही आकांक्षा करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि सारे बक्सर निवासी भाइयों की तरह मिलकर रहें और हर वर्ष ऐसा ही कार्यक्रम उत्साहपूर्वक करवाएं। कहाँ से आप लोग हैं? हम लोग वृंदावन से हैं। आज क्या मंचन हुआ? आज भरत मिलाप का मंचन हुआ, जिसमें जब मैं अयोध्या नहीं पहुँचा तो भाई भरत अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो गया। एक दिन शेष था केवल 14 वर्ष की अवधि में, तो मैंने अपने भक्त हनुमान को भेजा और कहा जाओ भैया भरत को संदेश दो कि हम अयोध्या आने ही वाले हैं। तो हनुमान हमारा भक्त गया और हमारे भैया भरत को संदेश दिया, तो भैया भरत अयोध्या से बाहर ही हम को लेने के लिए आया और वहाँ पर हमारा भव्य स्वागत किया गया और यहाँ सारे बक्सर की जनता ने हमारा बहुत बहुत खूब स्वागत किया। इस बक्सर की जनता के ऊपर मेरी हमेशा कृपा रहेगी, हमेशा कृपा रहेगी, हमेशा कृपा। तो निश्चित तौर पर भाई भरत लंबे समय बाद आज प्रभु से आपकी क्या कहें हम, मैंने सामने सामने आप लोग भाई मिले, क्या संदेश? प्रिय बंधुओं, जो भाई भाइयों का प्रेम है वो रामायण से शिक्षा लेनी चाहिए प्रत्येक बंधु को। अगर मनुष्य जीवन में आप आए हैं तो मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को सीखना चाहिए। रही बक्सर वाली बात, बक्सर तो वो कर्म भूमि है, वो ज्ञान की नगरी है, जिसमें कि रामायण में भी इसका उल्लेखन आया है और बक्सर में ही बाबा विश्वामित्र जी का निवास था। बंधुओं, किसी राजा के हृदय में वो चिंता उत्पन्न नहीं हुई जिस समय राक्षसों का आतंक बढ़ रहा था, तो एक संत के हृदय में एक भाव जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि राक्षसों से इन भक्तों को किस प्रकार से मुक्ति मिले। तो बंधुओं, रामायण में बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि विश्वामित्र जी के हृदय में वो चिंता ने वास किया जो किसी गृहस्थी के हृदय में होनी चाहिए, किसी राजा के हृदय में होनी चाहिए थी, लेकिन एक संत के हृदय में उस चिंता ने जन्म लिया और वह अयोध्या जाकर के परमात्मा श्री राम को बक्सर लेकर के आए, जिनके द्वारा स्वभाव उताड़ का मारीच आद आद राक्षसों का वध हुआ और बक्सर जैसी कर्म भूमि ज्ञान भूमि को राक्षसों से जीवन मुक्त कराया, भक्तों को एक नया जीवन प्रदान किया। बस, और बहुत ही सुंदर उत्साह मुझे यहाँ के भक्तों में देखने को मिला है। जिस प्रकार से अभी जब राम मंदिर की स्थापना चल रही थी तो अयोध्या में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर थी, तो उसी प्रकार से हमने रावण विजयदशमी वाले दिन से और आज तक ये देख रहे हैं कि बक्सर में जो लहर अयोध्या में थी वो लहर आज हमें बक्सर में दिखाई दे रही है। और हम ईश्वर से ये कामना करेंगे कि सभी बक्सर के भक्त हमेशा सुखी रहे और इसी प्रकार से आप आयोजन कराते रहे और ब्रजवासियों तो को बुलाते रहे। निश्चित तौर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की शिक्षा स्थली में आज अयोध्या का नजारा नजर आया और तमाम तरह के लोग यहाँ, कैसे ये आयोजन आप लोग करा? हम आयोजन आप लोग के माध्यम से पूरे भेजना चाह रहे हैं कि हमारे इस बक्सर नगरी में भगवान स्वयं विष्णु फिर अवतार लिए हैं, जिनको 52 अवतार हम कहते हैं। सोचिए कि उनको कितना प्रेम था हमारे इस धरती से। तो 52